नमस्कार दोस्तों, आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि चंद्रमा अगर आठवें भाव में होगा तो इसका क्या फल होगा। जब भी आप ऐसे किसी चंद्रमा को अपनी जन्मपत्री में, अपने किसी प्रियजन की जन्मपत्री में देखते हैं तो आपके मन में एक उत्सुकता आ जाती है और परेशानी का सबब भी बन सकता है। क्योंकि जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे और पंडित के पास जाएंगे और उसने आपका चंद्रमा आठवें भाव में देख लिया तो वो उसको ठीक नहीं मानता। दूसरा, जब भी आप इंटरनेट में वेबसाइट्स में देखेंगे तो देखेंगे उसकी भी जो चर्चा है या एक्सप्लेनेशन है वो कोई अच्छी नहीं है। वीडियोस देखेंगे उसमें भी लगेगा कि चंद्रमा जब आठवें भाव में है तो कुछ ना कुछ समस्या होगी। सबसे पहली और जो सबसे बड़ी समस्या जो आप देखेंगे सभी वेबसाइट्स में लिखी हुई है वो ये लिखी है, बाला रिश्ते। दूसरा, अगर मेष लग्न है तो चंद्रमा जो हो गया वो स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में हो गया, जो चंद्रमा नीच का हो गया। तो ये बात तो कॉमन मिलेगी आपको हर एक साइट में, हर एक पुस्तक में। हालांकि आप और पुस्तकों को देखेंगे तो उसमें अलग अलग पुस्तकें रिकमेंडेड है। सारावली ये कहती है, मानसागरी वो कहती है, फल दीपिका वो कहती है, ब्रेज चातक ये कहता है, मंत्रेश्वर का ये मत है, वो ये कहता है, ये क्या कहता है। अब आप इतनी सारी चीजें जब आप देख लेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति बन जाएगी। साथ में बालरिष्ट योग और नीच का चंद्रमा जब आ जाएगा तो अब ये दिमाग में आपके परेशानी उत्पन्न करेगा। अब ऐसे में जब आप ये देखेंगे कि चंद्रमा का जब पीरियड आया या दशा आया तो रिजल्ट अच्छे आने लगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है कि चंद्रमा है तो अष्टम भाव में और उसके रिजल्ट जो है या फल जो है वो अच्छे आए। तो ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये इतना गड़बड़ लिखने होने के बावजूद भी, जब इतनी पुस्तकों में आठवें भाव के चंद्रमा को बुरा लिखने के बावजूद भी चंद्रमा अच्छे फल कैसे देता है। तो अब ये देखिए कि चंद्रमा समझ ले कि वो वृश्चिक राशि में है तो ये तीन नक्षत्रों में हो सकता है, एक विशाखा, दूसरा अनुराधा और एक ज्येष्ठ। तो अनुराधा नक्षत्र हो गया शनि का नक्षत्र, ये आप जानते हैं। अब चंद्रमा जो है आठवें भाव में, तो चंद्रमा चौथे और आठवें भाव के फल देगा क्योंकि चौथी राशि जो है उसकी वो चौथे भाव में है और वो अष्टम में बैठा है, चार और आठ के फल देगा। और अगर वो अनुराधा नक्षत्र में है तो शनि ग्यारहवें भाव में चला गया, तो शनि जो है वो दसवें और ग्यारहवें भाव के फल देगा। अब हम देखें कि चंद्रमा के क्या फल आते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ग्रह जो है वो अपनी पोजीशन और लॉर्डशिप जहाँ पर बैठा है और जिस भाव का स्वामी है उसके रिजल्ट देता है और जो नक्षत्र में बैठा है उसके फल देता है और नक्षत्र के फल वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर या ज्यादा ताकत से देगा। तो अब इसमें देखते हैं कि फल क्या आएंगे कि चार और आठ और ग्यारह। चार ग्यारह का मतलब हो गया अपने जो दशा के अंदर वो प्रॉपर्टी परचेज करा सकता है। 10-11 हो गया तो वो काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है, पैसा अच्छा आएगा, जो है पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है क्योंकि 8-11 है, विवाह के लिए कोई बहुत बुरा नहीं है और हेल्थ के लिए थोड़ी सी समस्या हल्की सी हो सकती है लेकिन मेजर नहीं है। तो ज़्यादातर तो आदमी ने यही पूछना कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, हेल्थ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, काम धंधा कैसे चलेगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछना नहीं होता। तो इन सभी चीज़ों के लिए मोटे तौर पर चंद्रमा ठीक है। अब एक दूसरी स्थिति देख लेते हैं कि चंद्रमा विशाखा नक्षत्र, तो आप जानते हैं कि विशाखा जो है गुरु का नक्षत्र है, तो चंद्रमा अगर 0 डिग्री से 3-20 के बीच में है तो वो गुरु के नक्षत्र में है। अब समझ ले गुरु जो है वो 12वें घर में बैठे, तो इसका मतलब गुरु जो है वो 9 और 12 के रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, 8 और 12 भाव मिल गए, तो इसका मतलब अब जो ये चंद्रमा है हर चीज के लिए बुरा फल देगा, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, चाहे वो
प्रॉपर्टी हो, चाहे वो काम धंधा हो, सब चीज के लिए इसके फल अच्छे नहीं हो कि आठवें भाव में भाव अच्छे नहीं हो। इसी को अलग कर लेते हैं, समझ लें कि गुरु बारहवें में नहीं बैठा, गुरु ग्यारहवें भाव में बैठा। इसका अर्थ क्या हो गया कि गुरु के जो बुरे फल थे वो कम हो गए क्योंकि ग्यारहवां भाव आ गया। तो रिजल्ट बहुत अच्छे तो नहीं आएंगे लेकिन कुछ अच्छाई जरूर हो जाएगी क्योंकि ग्यारहवां भाव हो गया। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे कि गुरु जो है चंद्रमा जब गुरु के नक्षत्र में होगा और आठवें भाव में होगा तो उसके फल बहुत अच्छे नहीं आने वाले, शनि के जरूर अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि शनि के दसवें और ग्यारहवें तो भाव के फल आने ही है क्योंकि दस ग्यारह का रिजल्ट देगा। आप चाहे शनि बारहवें में चला जाए, पहले में चला जाए, चौथे में चला जाए, कहीं दस ग्यारह के फल तो वो देगा ही देगा। समझिए नौवें में चला जाए तो नौ दस ग्यारह के फल देगा, बारहवें में चला गया तो दस ग्यारह बारह के फल देगा। तो गुरु के नक्षत्र से तो शनि के नक्षत्र में होना अच्छा हो गया क्योंकि दस और ग्यारह दो भाव अच्छे आ गए। गुरु के अंदर क्या था कि वो नौवें बारहवें बारहवें भाव का फल देता, लेकिन सातवें ज्यादा से ज्यादा वो एक और ग्यारहवें का ही फल दे सकता, और दस ग्यारह दोनों भाव जो है वो काम धंधे के लिए ज्यादा अच्छे हैं, करियर के लिए ज्यादा अच्छे हैं। और दो अगर भाव अच्छे हो गए तो गुरु से तो बेहतर रिजल्ट हुआ शनि का। अब आखिरी जो हो गया ज्येष्ठ नक्षत्र हो गया, तो ज्येष्ठ जो हो गया वो बुध का नक्षत्र हो गया। आप जानते हैं अब बुध का नक्षत्र हो गया तो बुध जो है तीसरे और छठे का मालिक, आप जानते हो, समझ लीजिए ग्यारहवें में है भाव में, तो ये तीन छह ग्यारह के रिजल्ट थे। तो बुध के भी जो फल हैं वो थोड़े से गड़बड़ाएंगे। तो किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि ये जो अनुराधा नक्षत्र है वो अच्छा है। अब अनुराधा नक्षत्र क्यों अच्छा है, जब हम नक्षत्र के फल इस तरीके से देखेंगे तब जाकर पता चलेगा क्यों अच्छा है। तो पुस्तकें लिख तो देती हैं, लेखक को खुद नहीं पता होता कि क्या लिखा। अब आ जाते हैं कि ये तो मेष राशि है या मेष लगन है, सॉरी मेष लगन है। अब लगन बदल देते हैं क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा है तो जरूरी नहीं कि वो वृश्चिक राशि में और आठवें भाव में हो, वो ये भी तो हो सकता है कि वो धनु राशि में हो। अब अगर धनु राशि में होगा तो चंद्रमा या तो केतु के नक्षत्र में हो सकता है या शुक्र के में हो सकता है या फिर सूर्य के में हो सकता है। तो समझ लेते हैं चंद्रमा जो है शुक्र के नक्षत्र में। अब चंद्रमा अगर शुक्र के नक्षत्र में है और समझ लें कि शुक्र जो है वो ग्यारहवें भाव में, तो इसका मतलब क्या है कि शुक्र किस कहां कहां के फल देगा, पहले छठे और ग्यारहवें, और चंद्रमा कहां कहां के फल देगा तीसरे और आठवें भाव के। तो अब देखते हैं कि चंद्रमा के फल कैसे, चंद्रमा आठ और छह का फल दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बुरे भाव हैं तो हर चीज के अंदर समस्या आने की संभावना है। अब रिजल्ट तो हमको किस किस के देखने हैं, हेल्थ के, मैरिज मैरिड लाइफ के और प्रोफेशन। तो काम धंधे के लिए कैसा है, क्योंकि छह और आठ भाव है खराब है। विवाह के लिए पहला और छठा भाव आ गया, दो और सातवां भाव तो है नहीं, इसका मतलब विवाह को ये के लिए पॉजिटिव नहीं है, मना कर रहा है विवाह को। सेहत के लिए तो बहुत बुरा है क्योंकि छठा और आठवां भाव आ गया। तो चंद्रमा जो धनु राशि में है और अष्टम भाव में है, अगर वो शुक्र के नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र मतलब 13-20 से 26-40 के बीच में है, तो मोटे तौर पर चंद्रमा के रिजल्ट अच्छे नहीं होने वाले। और दूसरा देख लेते हैं, समझना कि सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य का नक्षत्र 26-40 से 30 डिग्री के बीच में आ जाएगा, तो सूर्य समझ लेते हैं वह अपने घर में बैठे। तो सूर्य के क्या रिजल्ट आएंगे, सिर्फ चौथा भाव, तो सिर्फ एक, अब चंद्रमा का एक ही भाव खराब है, सूर्य का जो चौथा भाव है वो न्यूट्रल है, सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज बता रहा है, विवाह नहीं बता रहा, कोई ट्रेवल नहीं बता रहा,
ट्रेवल बताया, यात्रा बता रहा, तो छोटे दूर की यात्रा बता रहा, बड़े दूर की यात्रा नहीं बता रहा, विवाह नहीं बता रहा, करियर के लिए न्यूट्रल सा है, हेल्थ के लिए कोई बहुत बुरा नहीं है। अब दोस्तों आप इसी तरीके से जेमिनी के लिए भी कर सकते हैं। जेमिनी लगन क्या है? जेमिनी या अगर मिथुन लगन होगा तो आप समझते हैं कि अब जो चंद्रमा जो है वो मकर में आ जाएगा। तो मकर में कौन कौन से नक्षत्र हो जाएंगे? सूर्य, चंद्रमा और मंगल। और चंद्रमा यहां किस किस भाव के फल देगा? दूसरे और आठवें के। तो इस प्रकार से जो जो नक्षत्र आता चला जाएगा, आप उसमें नीचे नक्षत्र को लिखकर आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा के क्या फल होंगे। तो इतनी जो किताबें पढ़ना है या वीडियो देखना है उसका कोई अर्थ नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि ग्रह के क्या फल होंगे, क्योंकि चंद्रमा आठवें भाव में फल क्या देगा उसके लिए जो आप वेबसाइट्स के अंदर या वीडियोस के अंदर जो आप पढ़ेंगे तो इतना वो याद नहीं होगा। और जन्मपत्री हमेशा अलग अलग आने वाली है, जब इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी ना तो वो याद होगी ना उसका रट्टा मारा जाएगा, और उसको लेके भी बैठेंगे तो भी कंफ्यूजन की स्थिति होगी। और आप अलग अलग किताबों में क्या लिखा हुआ है वो अगर समझने की प्रयत्न करेंगे कौन सी चीज़ ठीक है वो भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि किसी का चंद्रमा आठवें में बैठा तो बाकी ग्रह तो आठवें में नहीं बैठे, तो वो उसके साथ दशा उत्तर में क्या फल देंगे फिर आपको कंफ्यूजन होगी, कौन आदमी ठीक बात कर रहा है कौन नहीं ठीक कर रहा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है और उसके भाव आपने लिख लेने हैं सामने, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये सटीक तरीका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें मैं आपको विभिन्न जानकारियाँ दूंगा जो आपको लाभप्रद होंगी और ऐसी होंगी जो प्रैक्टिकली आप उसको कर पाओगे। किसी भी चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ जो है वो आपको उसके नक्षत्र देख लेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएंगे। इस तरीके की टिप्स मैं आपको देता रहूँगा जो आपको योगकारी और लाभप्रद सिद्ध होगी। धन्यवाद।